हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस आर्ट को। मैं तो आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। आपका बोर्ड एग्जाम प्लस सेंटेप एग्जाम दोनों के लिए काफी कारगर है। आपका सेंटेप एग्जाम होने जा रहा है और यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए सभी क्वेश्चन को कवर करना काफी जरूरी है। सभी क्वेश्चन को आप याद रखने का प्रयास करेंगे। जो भी क्वेश्चन मिस्टेक होता है तुरंत उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके एक से दो बार देखिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ये भी एक याद रखने का तरीका होता है। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है स्क्रीनशॉट लेने के अलावा, इसलिए स्क्रीनशॉट लें जो क्वेश्चन मिस्टेक होता है। ठीक है, और यहाँ जितने सारे क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सिर्फ आपका सेंटेप एग्जाम नहीं, प्लस आपका बोर्ड एग्जाम जो है वहां भी आपको सेम टू सेम क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, सभी आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ, सभी क्वेश्चन का आंसर को कमेंट करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि लाल बहादुर शास्त्री के बाद भारत का जो प्रधानमंत्री बने वो कौन बने थे। ठीक है, काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। आपको पता है कि लाल बहादुर शास्त्री की जो ये मतलब एक तरह से देहांत तो हुए थे 1966 में, उनके देहांत तो हो गए थे। ठीक है, और वो लगभग 18 महीना, कितना महीना, 18 महीना प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत थे। प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने कार्य किया था। ठीक है, और ये जो थे भारत के दूसरा प्रधानमंत्री थे, यानी दूसरे प्रधानमंत्री थे, सेकंड पीएम थे भारत के लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री के बाद भारत के जो प्रधानमंत्री बने थे वो इंदिरा गांधी बनी थी। कौन? इंदिरा गांधी बनी थी। ऑप्शन आपका यहां डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि किस देश ने, क्या पूछा है कि किस देश ने 1962 में भारत पर आक्रमण कर पंचशील संधि का उल्लंघन किया था। पंचशील संधि आप लोग जानते हैं कि ये जो संधि हुआ था 1954 में लगभग की गई थी चाइना के साथ, यानी चीन के क्षेत्र तिब्बत और भारत के बीच जो व्यापार संबंधों को लेकर के, व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए इसमें एक तरह से ये संधि मतलब की गई थी, पंचशील संधि की गई थी। इसमें मतलब बॉर्डर के जो डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब बॉर्डर का जो विवाद है उसको भी इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, तो पंचशील संधि का जो उल्लंघन किया गया 1962 में भारत पर आक्रमण करके वो कौन किया था? चाइना किया था। ठीक है, ये क्योंकि ये चाइना, इन्हीं के साथ हुआ था पंचशील संधि, किनके साथ हुआ था? चाइना के साथ हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल और आसान क्वेश्चन है कि योजना या फिर नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी। योजना आयोग या फिर नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी ये कब की गई थी, सिंपल क्वेश्चन है। तो ये जो की गई थी 15 मार्च 1950 को, कब की गई थी? 15 मार्च 1950 को योजना यानी नीति आयोग की स्थापना की गई। ऑप्शन आपका यहाँ बी राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए सिंपल और आसान क्वेश्चन पूछा जाता है सभी कुछ, देखिए जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको जैसे क्लास एंड होगा दो बार ही देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए पूछा गया है कि भारत में नई आर्थिक नीति के संचालक हैं, यानी भारत में जो नई आर्थिक नीति जो लाए, किनके द्वारा लाए गए, जैसे कि उदारीकरण, उसके बाद निजीकरण, उदारीकरण के द्वारा ही, मतलब भारत में जब गरीबी आ रही थी तो उदारीकरण के द्वारा ही बाहरी कंपनी आए। उदारीकरण यानी एक तरह से लिबरलाइजेशन होता है, बाहरी कंपनी आ सकते हैं, ज्यादा टैक्स वगैरह नहीं लिया जाता है, कर वर्ग, कर सिस्टम जो होता है, टैक्स सिस्टम, उसमें थोड़ा सा लचीलापन लाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो लाने वाले थे यानी आर्थिक नीति के संचालक डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, यानी ये प्रधानमंत्री के तौर पर वो आर्थिक नीति के संचालक, मतलब अर्थव्यवस्था में काफी ज्यादा सुधार लाने का काम किए थे। कौन? मनमोहन सिंह, यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह। आपका ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट है कि नवम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, यानी नवमी जो पंचवर्षीय योजना, 5 साल की जो योजना लाई जाती है, हर पंचवर्षीय योजना का कुछ न कुछ मेन एम रहता है, और इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत मतलब उद्देश्य रहता है कि किस क्षेत्र में कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, किस क्षेत्र में कितना विकास करना है। ठीक है, तो नवम पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है, इनका जो ड्यूरेशन रहा था वो रहा था 1997 से 2002 तक। कब तक? 1997 से 2002 तक, यानी 3 साल इधर हो गया और यहाँ मतलब एक तरह से 2 साल इधर हो गया, यानी 2000 के बाद, तो 5 साल हो गया। पंचवर्षीय योजना जो होता है 5 साल का ही होता है, तो ऑप्शन आपका यहाँ क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए सिंपल और आसान क्वेश्चन है, चलिए बहुत शानदार आंसर आ रही है। इसी तरह से आप लोगों को राइट आंसर कमेंट करना है, जब तक आप लोग याद नहीं कर लेते हैं तब तक आप लोगों को एक तरह से ये सब क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम के लिए प्लस सेंटर एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए पूछा गया है कि वैश्विक ताप वृद्धि किस सुरक्षा का मसला है, यानी फिर किस सुरक्षा का मसला है या फिर किस सुरक्षा का विवाद है। ठीक है, मानवता की सुरक्षा या फिर सामूहिक सुरक्षा या फिर वैश्विक सुरक्षा या फिर इनमें से कोई नहीं। वैश्विक ताप वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रही है, यानी वर्ल्ड में, वर्ल्ड लेवल पर बड़े बड़े देश जो है जैसे कि अमेरिका, रूस, जापान, ये सब जो है कार्बन का ज्यादा उत्सर्जन करते हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग आई है। ठीक है, मतलब ग्लोबल जो हीट है यानी तापमान जो है वो बढ़ रही है, जिसके कारण बड़े बड़े पहाड़ पिघल रहे हैं, तो
पानी का स्तर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब जो मतलब पहले जो टापू थे, जो मतलब देश है, तो वहां पानी का स्तर बढ़ रहा है, ठीक है, यानी सागर जो है उनका पानी का स्तर बढ़ रहा है। तो इस तरह से धरातल जो जमीन है वो पानी में समा जाएगा, इस तरह से ग्लोबल वार्मिंग के तो रहते हुए कहीं ना कहीं वैश्विक सुरक्षा से रिलेटेड ये मसला है, यानी वैश्विक ताप वृद्धि सुरक्षा का मसला है। तो वैश्विक सुरक्षा यानी ग्लोबल सिक्योरिटी का मसला है। तो ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट आंसर करना है, आपको ऑप्शन सी राइट आंसर टिक करना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है कि भारत में परमाणु कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य क्या बतलाया जाता है। देखिए भारत में परमाणु कार्यक्रम यानी बहुत सारे भट्टी बैठाए गए हैं, जैसे कि नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश में यानी यूपी में है, ठीक है, उसके बाद तारापुर जो है महाराष्ट्र में है, उसके बाद आप रावतभाटा राजस्थान में है, कैंगा कर्नाटक में है। तो ये सब मतलब परमाणु कार्यक्रम, ये सब भट्टी जो बैठाया गया, तो यहाँ कुछ ना कुछ तो ऊर्जा उत्पादन होता है। तो परमाणु कार्यक्रमों का जो मुख्य उद्देश्य बतलाया जाता है भारत की तरफ से, वो ये बतलाया जाता है कि एक तरह से यहाँ महाशक्ति बनने के दौर में सम्मिलित नहीं होना, ठीक है। यहाँ आपको राइट आंसर कमेंट करना है सेवंथ का, यानी भारत में परमाणु कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य क्या बतलाया जाता है। अपनी ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करना, संयुक्त राज्य अमेरिका पर दबाव बनाना बिल्कुल नहीं होगा, महाशक्ति बनने की दौर में सम्मिलित होना, चीन तथा पाकिस्तान पर दबाव बनाना, ठीक है। यहाँ आपको राइट आंसर कमेंट करना, अपनी ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपनी ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करना हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट है, सिंपल और आसान क्वेश्चन है कि PL480 समझौता किसके साथ हुआ था, यानी PL480 यानी 480, तो ये जो समझौता किया गया था, ये समझौता हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ यानी यूएसए के साथ। तो ऑप्शन आपका यहाँ ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन का आंसर को कमेंट करेंगे, चलिए इसी तरह से आप लोगों को बने रहना है क्लास में। पूछा गया है कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे, यहाँ आपको पूछा गया अभी वर्तमान में कौन है, व्लादिमीर पुतिन है, काफी ज्यादा मतलब यंग है, मतलब यंग तो देखते हैं 69 ईयर्स उनका एज है अभी, मतलब 69 साल के हैं, और ये तो काफी ज्यादा माइंड से स्ट्रोंग है, मेंटली काफी ज्यादा स्ट्रोंग है, ठीक है। मतलब अगर कहीं इनके जब अभी क्या चल रहा था, रसिया और जो आपका यूक्रेन है युद्ध चल रहा था, लेकिन ये अपने मस्त थे, अपना दिन में पूरा एकदम जो वर्क करते थे पूरा काम में लगे रहते थे, जिम जाना खाना पीना उनका काम कोई डिस्टर्ब नहीं होता था, लेकिन इधर युद्ध चल रहा था, लेकिन इनको कोई टेंशन नहीं क्योंकि ये जो है मेंटली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। व्लादिमीर पुतिन के बारे में भी बोल रहे हैं, ठीक है, तो व्लादिमीर पुतिन जो है माइंड से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उधर यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है जेलेंस्की तो वो काफी ज्यादा परेशान थे, लेकिन इनको कोई परेशानी नहीं क्योंकि इनका आर्मी जो है काफी ज्यादा मजबूत, ठीक है। अब देखिए पूछा गया कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति जो थे, अंतिम राष्ट्रपति सोवियत संघ तो टूट गया था, सोवियत संघ टूट गया अभी तो है नहीं, अभी तो बिखरा हुआ है, लेकिन व्लादिमीर पुतिन यही दिमाग लगाता है कि हम सोवियत संघ का जो पूर्व यानी पहले जो सदस्य देश थे वो सबको एक करना है, ठीक है, ये अभी उनका माइंड में बसा हुआ है, इसलिए अफगानिस्तान में तालिबान का उन्होंने समर्थन किया था, ठीक है। तो नाइन्थ का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मिखाइल गोरबाचेव, क्या हो जाएगा, मिखाइल गोरबाचेव, यानी ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि मेगा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से संबंधित है, मेगा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से संबंधित है, यह आंदोलन के बारे में आप लोग जानते हैं, चिपको आंदोलन या फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन या फिर टिहरी बांध रोको आंदोलन या फिर पर्यावरण प्रदूषण रोको आंदोलन, ठीक है। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन, यानी मेगा पाटेकर को जो नाम है ये जो नाम किसमें ज्यादा वो किसमें ज्यादा फेमस हुए थे, किसमें उनका नाम आया था, नर्मदा बचाओ आंदोलन में, यानी ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट आंसर करना है, ऑप्शन आपको बी राइट आंसर टिक करना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि सिंडिकेट क्या था, सिंडिकेट के बारे में आप लोग सुनते हैं, आप लोगों को थ्योरी पूरा तरह से पढ़ाया गया, सिंडिकेट के बारे में आप जानते हैं। तो सिंडिकेट जो था कांग्रेस का जो एक तरह से पार्टी थी, 1885 में डॉक्टर ए ओ ह्यूम के अध्यक्षता में जो कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई, तो कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे पावरफुल जो लीडर थे ना उनका अलग ही एक समूह बन गया था, उनका एक अलग ही ग्रुप बन गया था। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर ही, ठीक है, कांग्रेस पार्टी के अंदर ही ताकतवर यानी पावरफुल और प्रभावशाली यानी इफेक्टिव इफेक्टिव नेताओं यानी लीडर का एक समूह था, एक ग्रुप था, उसी को सिंडिकेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है, उसी को मतलब पॉलिटिकल साइंस में राजनीति शास्त्र में सिंडिकेट कहा गया है। तो ऑप्शन आपका यहाँ एक करेक्ट आंसर करना है, आपको ऑप्शन ए राइट आंसर करना है, ठीक है। मतलब यही लोग का दबदबा चलता था पार्टी में पूरा, सिंडिकेट ग्रुप का, सिंडिकेट समूह का। अब देखिए अगला है क्वेश्चन कि शीत युद्ध काल से में वार्सा पैक्ट का संबंध किस गठबंधन से था, शीत युद्ध काल में वार्सा पैक्ट का जो संबंध है किस गठबंधन से था, अमेरिका गठबंधन या फिर सोवियत संघ गठबंधन या फिर गुटनिरपेक्ष गठबंधन या फिर नन ऑफ दीज आपका दिया गया है। तो शीत युद्ध काल, अब शीत युद्ध तो आप समझते हैं, नो मतलब वेपन्स ओनली थाउट, यानी एक तरह से मतलब वेपन्स का प्रयोग नहीं, एक तरह से इनडायरेक्टली युद्ध लड़ना, ठीक है, यानी किसी के द्वारा युद्ध लड़ना या फिर एक तरह से बात बात में या फिर पॉलिसी में या फिर वैश्विक मंच पर आकर के एक दूसरे को धमकी देना या फिर
तनाव एक तरह से बोल सकते हैं। तो ये एक प्रकार का शीत युद्ध होता है, ठीक है। इसमें हथियार नहीं होते हैं, अगर डायरेक्टली अगर हथियार का प्रयोग किया जाए तो वो औपचारिक युद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो शीत युद्ध काल में वार्सा पैक्ट का जो संबंध है ये किस गठबंधन से था, तो बिल्कुल हो जाएंगे आपके सोवियत गठबंधन से। किससे? सोवियत गठबंधन से। अब देखिए नेक्स्ट है कि कौन दक्षेस का सदस्य नहीं है। दक्षेस का सदस्य कौन नहीं है? सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो यहाँ जो इनका सार्क का सदस्य नहीं है, तो यहाँ टोटल सार्क के 8 सदस्य हैं। भारत के पड़ोसी देश हैं, भारत के पड़ोसी देश एक तरह से नेपाल, भूटान, मालदीव, उसके बाद आप पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, माल एक तरह आ जाएगा, ठीक है। टोटल 8 कंट्री है, लेकिन ये चाइना को नहीं रखा गया। चाइना जो है बिल्कुल इनका अलग दुनिया है, ठीक है। तो ये दक्षेस का सदस्य नहीं होगा। ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट आंसर करना है, आपको ऑप्शन डी राइट आंसर करना है। एग्जाम में सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप लोग अगर मन से यानी दिल से अगर थ्योरी को कवर किए हैं तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए बिहार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, यानी बिहार में जो आंदोलन चला इसका जो लीडरशिप किया किसने किया, आपको पता है जयप्रकाश नारायण के बारे में आप लोग सुने हैं ना। जयप्रकाश नारायण को काफी ज्यादा पकड़ के बहुत बार जेल भी डाला गया, ठीक है। तो यहाँ जयप्रकाश नारायण आपको टिक करना है। तो जयप्रकाश नारायण बिहार आंदोलन का नेतृत्व किया। जयप्रकाश नारायण ने ही आपातकाल की मतलब इंदिरा गांधी की जो आपातकाल लगाए थे उन्होंने बहुत ज्यादा मतलब इनका खिलाफ किया, उनके खिलाफ आंदोलन चलाए, ठीक है। अब देखिए अगला है कि संयुक्त राष्ट्र के पूर्व अंतरराष्ट्रीय संगठन के रूप में कौन विद्यमान था। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व अंतरराष्ट्रीय संगठन के रूप में कौन विद्यमान था, यानी आपको पास्ट में पूछा जा रहा है, हिस्ट्री आपको पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है। तो यहाँ जो राइट आंसर जाएगा हो जाएगा आपका राष्ट्र संघ। क्या हो जाएगा? राष्ट्र संघ, यानी हो जाएगा आपका राष्ट्र संघ, यानी संयुक्त राष्ट्र के पूर्व अंतरराष्ट्रीय संगठन के रूप में कौन विद्यमान था, तो राष्ट्र संघ। क्या हो जाएगा? राष्ट्र संघ, यानी ऑप्शन आपका यहाँ ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए अगला है कि पृथ्वी के चारों ओर जैव सक्रियता के पतले आवरण को कहा जाता है। पृथ्वी के चारों ओर, यानी पृथ्वी के चारों ओर जो अराउंड उसका जो फैला हुआ जैव सक्रियता, उसका जो एक तरह से कहा जाता है उसका आवरण, यानी लेयर का जो कहेंगे उसको क्या कहेंगे, तो उसका सिंपल सी बात है उसको कहा जाता है जैव मंडल। क्या कहते हैं उसको? बायोस्फीयर का जैव मंडल कहा जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए भारत ने श्रीलंका से अपनी शांति सेना कब वापस की, ठीक है। लिट्टे ने उनका मतलब हत्या कर दी थी, गांधी जी के परिवार की जो मतलब थे राजीव गांधी उनकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है। लिट्टे भारत ने श्रीलंका ने अब श्रीलंका से अपनी शांति सेना कब वापस बुलाई थी, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का। क्या हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा आपका 1989 यानी 1989 में भारत ने श्रीलंका से अपनी शांति सेना वापस बुला ली थी। तो ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपको करेक्ट आंसर करना है। अब देखिए सभी क्वेश्चन का आंसर को कमेंट करेंगे, जो भी आपका मन में सवाल है, जो भी आपका मन हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में हम आपको रिप्लाई देंगे, ऐसा कोई बात नहीं है, रिप्लाई दिया जाएगा। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे। तनु क्लासेस ऐप यानी तनु क्लासेस एप्लीकेशन को जो अभी तक मतलब डाउनलोड नहीं किए हैं तो प्ले स्टोर में जाएंगे या फिर टेलीग्राम में कल या परसों लिंक शेयर किया गया था, वहां से लिंक के माध्यम से अगर डायरेक्टली आप लोग डाउनलोड करते हैं तो आप लोगों को प्ले स्टोर में जाके खोजना नहीं पड़ेगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि इसी में आपको अपडेट मिलेगा, जो भी नोट्स होता है, जो भी चीज होती है, सारा चीज आपको इसी में दिया जाएगा एप्लीकेशन में, ठीक है। तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिए ताकि उसमें आप लोगों को आप लोग पीछे ना हो जाए, ठीक है। क्योंकि नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, सारा चीज अपलोड हो रहा है उसमें, ठीक है। अब देखिए पूछा गया कि स्वतंत्र पार्टी के नेता थे, तो स्वतंत्र पार्टी के जो नेता थे वो कौन थे, हो जाएंगे तीनों थे, सी राज गोपालाचारी, के एम मुंशी और एन जी रंगा और मीनू मसानी, ठीक है। तो यहाँ सभी हो जाएंगे, ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया कि भारतीय स्वतंत्रता के साथ राष्ट्र निर्माण से सबसे पहली समस्या क्या थी। भारतीय स्वतंत्रता के साथ राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ी समस्या क्या थी, आर्थिक विकास या फिर शिक्षा का प्रसार, शहरीकरण या फिर देशी रियायतों का संघ में विलय, ठीक है। देशी रियायत यानी पता है आपको बहुत सारे जो 3-4 स्टेट थे अभी तक मतलब अंग्रेजों के जाने के बाद भी, जैसे कि गोवा को अंग्रेज छोड़ के नहीं गए थे, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, वो भी मतलब भारत में विलय नहीं होना चाहते थे, ठीक है। उसके बाद तेलंगाना यानी तेलुगु जो लोग थे वो लोग भारत में विलय होना नहीं चाहते थे, वो लोग बोलते थे कि तेलुगु भाषा को जब तक भारत का राष्ट्रीय भाषा न घोषित किया जाए तब तक हम लोग भारत में विलय नहीं होंगे, भारत के साथ नहीं आएंगे। तो इसलिए भारत में कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, आपको पता है ना, भारत में कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, इसलिए सिर्फ हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है। इसलिए टोटल संविधान में 22 भाषा को यानी 22 क्षेत्रीय भाषा को दर्जा दिया गया है, ना ही राष्ट्रीय भाषा को दर्जा देंगे, ना ही कोई एक भाषा को दर्जा देंगे, राष्ट्रीय भाषा का ना ही बखेरा होगा ना ही झगड़ा होगा, ठीक है। एक तरह से तेलुगु भाषा यानी तेलुगु से जो साउथ इंडिया के साउथ स्टेट के साउथ में जितने भी राज्य आते हैं वो सब राज्य से जो भी संसद आए थे उस टाइम, तो चुन करके जब संसद में संसद
संसद में जब भाषा चुनने की बारी आई तो वो लोग बोले थे तेलुगु भाषा को हम लोग को राष्ट्रभाषा बनाना है, ठीक है। तो किसी की बात को नहीं माने, यानी संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसी की बात को नहीं माना और उन्होंने कहा कि 15 साल तक, आगे आने वाले 15 साल तक इंग्लिश से अंग्रेजी ही भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ सिंपल आपको पूछा गया तो 19 का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका देशी रियायतों का संगम में विलय। बिल्कुल ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, बहुत सारा प्रॉब्लम था, या देश बंटवारा है या पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, बांग्लादेश तो बाद में बना 1971 में, ठीक है। तो देश को बंटवारा को लेकर के, भाषा को लेकर के, आर्थिक स्थिति लेकर के, लेकिन बहुत बड़ी समस्या जो है आपको ऑप्शन डी में दिया है, देशी रियायतों का रियासतों का, मिस्टेक हो रहा, रियासत यानी स्टेट राज्य का संघ में विलय करना, ठीक है। अब देखिए पूछा गया कि किसने अनुसूचित जाति संघ को स्थापना की, किसने अनुसूचित जाति संघ को स्थापना की या फिर संघ की स्थापना की, ठीक है। तो ये जो किया गया था, ये किया गया था बी आर अम्बेडकर के द्वारा, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था, जो हमारे संविधान के निर्माता है। यानी ऑप्शन आपका यहाँ क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। अब देखिए अगला है कि पंचशील की उद्घोषणा की गई, पंचशील की उद्घोषणा मैंने आपको जस्ट अभी बताया फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कि पंचशील की उद्घोषणा 1954 में की गई थी। कब की गई थी, 1954 में, यानी 1954 में 28 जून 1954, एक तरह से हाँ 1954 हो जाएगा। और एक तरह से आपको पता है ये मतलब किसके दौर में हुआ था, ये जो हुआ था ये किसके दौर में होता आप लोगों को पता है, कमेंट करेंगे, हमको भी याद नहीं आ रहा, ठीक है। ये जो हुआ था हाँ डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल के दौर में हुआ था, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के दौर में हुआ था, लेकिन इनका 1962 में युद्ध करके उल्लंघन कर दिया इसका चाइना ने, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है कि परंपरागत सुरक्षा नीति का कौन तत्व है, परंपरागत यानी जो पहले से चले आ रहा है, पहले से जो चले आ रहा है ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो पहले से चले आ रहा है, तो वो सुरक्षा नीति का कौन तत्व है, कौन एक तरह से घटक है वो भी पूछे जा सकते हैं, फिर कौन पक्ष है वो अभी ऐसा भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो शक्ति संतुलन बिल्कुल परंपरागत, अगर हमको चाइना से अगर या फिर पाकिस्तान से तो नहीं बोलेंगे, चाइना से अगर हमको बराबरी करनी है तो हमको हर एक चीज में संतुलन लाना पड़ेगा, जितना उनका मिलिट्री फोर्स है, जिनके पास जितना उनके पास हथियार है उसमें आपको संतुलन लाना पड़ेगा, यानी बराबरी करना पड़ेगा हर चीज में, ठीक है, तभी मतलब परंपरागत सुरक्षा नीति होगा। अगर हमारे पास हथियार नहीं होंगे, हमारे पास मान चलिए परमाणु हथियार इंडिया के पास नहीं होता, तो चाइना कभी भी धमकी दे देगा कि हम आपको परमाणु हथियार से हमला कर देंगे, ठीक है। तो इसका संतुलन कर दिया हम लोगों ने, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आए, ऐसा ऐसा मिसाइल बना के गए कि मतलब दुनिया पूरा दंग रह गया, ठीक है। तो ये शक्ति संतुलन हो गया, ठीक है। परंपरागत सुरक्षा नीति का ये भी एक तत्व है, शक्ति संतुलन करना, गठबंधन बनाना, बिल्कुल सार्क हम लोग का गठबंधन है, हम लोग गठबंधन के साथ जुड़े हुए हैं, तो गठबंधन हमारे के एक तरह से गठबंधन में है, हम लोग अमेरिका के साथ हैं, या फिर मतलब वैसे भी हम लोग भारत जो है किसी को प्रॉपरली साथ नहीं दे रहा बिल्कुल, क्योंकि जब बारी आती है तो सब कोई पीछे हट जाते हैं, जैसे कि यूक्रेन का हाल हुआ, सब कोई उनको साथ बोला कि चलो युद्ध में कूदो कूदो, लेकिन जब वो युद्ध में पड़ा तो अकेले आया, खुद प्रेसिडेंट यानी यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की खुद बोल रहे थे कि हमको सभी ने यानी नाटो ने क्या किया, युद्ध के मैदान में अकेले धकेल दिया। तो भारत इस चीज को अच्छे से समझते हैं, हम लोग गुट निरपेक्ष के निर्माता जो हैं, यानी भारत गुट निरपेक्ष का निर्माता रहे हैं, तो हम लोगों को ये बात अच्छी तरह से समझ में आती है कि दुनिया में कैसे चलना। तो ये भी गठबंधन बनाना, ठीक है, कैसा गठबंधन बनाना है, गठबंधन में अपना नेतृत्व तो कैसे रखना, ये अच्छा तरह से आता है भारत को, ठीक है। सामूहिक सुरक्षा, बिल्कुल अपने सामूहिक सुरक्षा, जैसे कि वैश्विक सुरक्षा है, ये भी एक प्रकार का सामूहिक सुरक्षा हो जाएगा, एक तरह से ग्लोबल वार्मिंग से बचना है तो इसमें भी सामूहिक सुरक्षा की दृष्टि से ये ग्लोबल वार्मिंग को भी आप बोल सकते हैं, तो सभी हो जाएंगे, परंपरागत सुरक्षा नीति के अंतर्गत तीनों हो जाएंगे, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी, राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी, 1956 को, 53 को, 54 को या फिर 1959 को, ठीक है। तो ये जो की गई थी, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये की गई थी आपका 1956 में की गई थी, कब की गई थी, 1956 में, ऑप्शन आपका यहाँ ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा आपको टफ नहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप लोग सिर्फ धैर्य बना करके रखें और सभी चीज को कवर करेंगे, आपका सेंटर एग्जाम है, सेंटर एग्जाम में 101% आपको पास होना जरूरी है, अन्यथा आप जो सपना देखते हैं बोर्ड एग्जाम में बैठने का उसमें आप बैठने नहीं पाएंगे, इसलिए आपको सेंटर एग्जाम में बोर्ड एग्जाम समझ के सेंटर एग्जाम को देना है, इसमें आपका प्रैक्टिस भी होगा, आपको पता भी चलेगा कि सेंटर बोर्ड एग्जाम जो होगा उसमें कितना टाइम मिलेगा, प्रैक्टिस तो होना जरूरी है ना, जरूरी है ना, क्योंकि प्रैक्टिस के द्वारा ही आप में एक तरह से निखार आएगा, आप में स्किल्स डेवलपमेंट होगा, यानी स्किल आएगा, कौशल आएगा, अपना अच्छी तरह से कॉपी को इफेक्टिव रूप से आप लिख सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो ये सेंटर एग्जाम जो हो रहा है इसमें आप मजाक से ये एग्जाम को नहीं लेंगे, ठीक है, एक तरह से सीरियसली लेना है आपको, ठीक है। अब देखिए पूछा गया है कि सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार की संपन्न देशों की संख्या कितनी है,
आपको पता है कि सुरक्षा परिषद में टोटल 5 देशों को अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, फिर से सुनिएगा, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, ये 5ों देशों को निषेधा देकर यानी वीटो पावर प्राप्त है। अगर सुरक्षा परिषद में कोई भी फैसला ली जाती है, इनमें से कोई एक अगर वीटो लगा दिया तो वो फैसला रुक जाएगा, ठीक है। और ये बाप का एक तरह से, ये लोग, हम लोग ये भी बोल सकते हैं, ऐसा ये लोग मनमानी करता है, क्या बोलेंगे, मतलब ऐसा मनमानी करता है, बोल खुद समझ सकते हैं कि ये लोग खुद परमाणु हथियार बना लिए हैं, ये लोग खुद परमाणु हथियार बना लिए हैं। और ये लोग आकर के क्या बोलते हैं पूरा दुनिया को, नहीं परमाणु हथियार नहीं बनाना है, ये दुनिया के लिए यानी वर्ल्ड सिक्योरिटी के लिए, वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा है, और ये खुद जो बना लिए हैं तो इनके ये खतरा नहीं है। क्या गारंटी है उनका जनरेशन जो आने वाला है, आगे जो उनका खानदान आएगा या फिर उनके जो वंशज आने वाले हैं, अगला जनरेशन, तो उनका कोई गारंटी है कि वो मतलब परमाणु हथियार को जैसे ये लोग अभी संभाल के रखा है वो लोग भी रखेगा, उन लोग का दिमाग अगर खिसकेगा तो किसी पर ठोक देगा, तो कोई गारंटी नहीं है। ये लोग बनाया तो अपनी सुरक्षा के लिए, हम लोग भी बनाए हैं, भारत भी बनाया है, पाकिस्तान भी बनाया है, वो इसराइल भी बनाया है, उसके बाद उत्तर कोरिया भी बनाया है, ये 5ों देश तो बनाया ही है, लेकिन 4 देश और भी बना लिया, भारत, पाकिस्तान तो बना लिए, उसके बाद इजराइल और नॉर्थ कोरिया यानी उत्तर कोरिया यानी किम जोंग उन, वो तो पगले है, ठीक है, वो तो बनाएगा ही, उनको कोई रोक नहीं सकता है। तो ये तरह से वैश्विक सुरक्षा का मामला है, तो सुरक्षा परिषद में यानी सिक्योरिटी काउंसिल में जो दी गई है वीटो पावर, वो टोटल 5 देश को दिया जा रहा था, 4 देश तो था, ठीक है, दिया जा रहा था चाइना को छोड़ करके, भारत को दिया जा रहा था, लेकिन चाइना और भारत की दोस्ती काफी ज्यादा थी पंडित नेहरू के समय, ठीक है, लेकिन दिया गया, वो ट्रांसफर कर दिया चाइना की तरफ, लेकिन अभी उनका इंपोर्टेंस नजर आ रहा है, इसलिए जो भी चीज दी जाती है उनको काम भले न हो उस टाइम, वो चीज रख दीजिए। आपका, आपको अगर कोई चीज दे रहा है कोई, या फिर आपको फ्री में कोई चीज मिल रहा है, या फिर आपको कहीं कुछ मिल रहा है, तो वो चीज आपका काम हो या ना हो आप लेके रख दीजिए, ठीक है, भविष्य में कहीं ना कहीं काम आएगा ही। अभी उसी के पावर पे हम लोग को नचा रहा है ना, हम लोग को भारत को निषेधाधिकार यानी वीटो पावर नेशन में, चारों बाकी चारों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चाइना को छोड़ करके, ये चाइना कमीना को छोड़ करके बाकी चारों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, ठीक है, अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, ये चारों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनको प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी जो दस होते हैं यानी बाकी जो 10 सदस्य होते हैं वो अस्थायी होते हैं, ठीक है, 2 साल के, इनका 2 साल के लिए इनको चुना जाता है, ठीक है। अब देखिए पूछा गया है सिंपल में कि सिंपल क्वेश्चन की प्रथम परमाणु परीक्षण भारत में कब किया गया था, तो प्रथम परमाणु परीक्षण जो भारत में किया गया था, सिंपल सी बात है, ये 1974 में 1974 में किया गया था, ऑप्शन आपका यहाँ सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट है कि किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई, खुले द्वार यानी ओपन डोर पॉलिसी, ठीक है, खुले द्वार की नीति जो अपनाई गई थी, तो ये नीति अपनाई गई थी चाइना के द्वारा, ठीक है, चाइना के द्वारा ये नीति अपनाई गई थी, आ जाओ भाई खुले द्वार की नीति है, जिनको भी व्यापार करना हमसे कॉन्टेक्ट हो जाओ, हमसे लो जितना लोन लेना है लो, और वही लोन दे करके फिर आपस में वो लोन जब पूरा हो जाता है, लोन दे करके किसी भी देश को गुलाम बना लेता है, ये चाइना की नीति है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण किस विचारधारा से संबंधित है, आपको पता है कि ग्लोबलाइजेशन के चैप्टर ही पढ़े हैं आप पॉलिटिकल साइंस में, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, तो इसका जो आइडियोलॉजी है ये किस विचारधारा से संबंधित है, किस आइडियोलॉजी से रिलेटेड है वो आपको पूछा गया, ठीक है। तो वैश्वीकरण जो संबंधित है, सिंपल सी बात है, ये उदारवाद से संबंधित है, उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, आप समझते हैं ना, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है, अगर अर्थशास्त्र में लिबरलाइजेशन में बोलूं तो अर्थशास्त्र में लिबरलाइजेशन का मतलब होगा कि वो सारे सिस्टम को, वो सारे कर को, वो सारे चीज को, बैंड को हटा दीजिए जिससे मतलब एक तरह से आर्थिक विकास हो पूरे वर्ल्ड का, ठीक है। तो उदारवाद का मतलब यही होता है कि भाई मिलजुल करके व्यापार करो, कोई भी टैक्स वगैरह मत लो ज्यादा, जितना लेने का है उतना ही लो, ठीक है, नहीं मिलजुल करके व्यापार करना, सहानुभूति को बढ़ावा देना, एक दूसरे के विकास में हेल्प करना, ये चीज आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ वैश्वीकरण जो संबंधित है, या फिर वैश्वीकरण किस विचारधारा से संबंधित है, तो ये लिबरलिज्म यानी लिबरलाइजेशन यानी उदारवादी, या फिर उदारवाद भी बोल सकते हैं, ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है कि क्षेत्रीय दलों के विकास का मुख्य कारण क्या है, आप लोग क्लास में बने हैं, बने रहेंगे, ठीक है, क्लास में जो भी क्लास छोड़ रहे हैं उनको तो हम पकड़ नहीं सकते, या फिर आप लोग को भी पकड़ के नहीं रख सकते, लेकिन मैं तो इतना जरूर बोलूंगा कि ये जितने सारे हम लोग क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, आपका बोर्ड एग्जाम नहीं, सेंटर एग्जाम नहीं, आपका जो आगे भविष्य फ्यूचर में जो सोचे हैं आप लोग कंपटीशन में बैठने के लिए, तो वहां आपको पूछा जाएगा आप पढ़े या नहीं पढ़े, क्या और इस जमाने में अभी के दौर में प्रेजेंट टाइम में विदाउट कंपटीशन आप करना क्या चाहते हैं, आप जाइए कोई भी एंट्रेंस दीजिए, अभी सरकार जो वैकेंसी निकाल रही है हर एक वैकेंसी में, हर एक 10 टो सिर्फ है, 1 टो नहीं 3-4 टो सिर्फ यही लेगा, मतलब आपका एंट्रेंस ही लेगा, तो एंट्रेंस में आपको पास करने के लिए तो नॉलेज चाहिए ना, तो नॉलेज आपको कहाँ मिलेगा, 12th क्लास बढ़िया से पढ़िए, 10th आपको रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये सारा चीज आपको पढ़ना है, आप सिर्फ बोर्ड एग्जाम अगर पास करने के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो मैं आपको बोल दूं कि सिर्फ और 2 महीना में आपको तैयारी कराया जाएगा, 2 महीना में जितने सारे क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर गेस्ट पेपर हम लोग कराएंगे, आपका सज्जित कराया जाएगा, उसको पढ़ लीजिएगा, आराम से आप पास हो जाइएगा, ठीक है, लेकिन नॉलेज की दृष्टि से आप पढ़ रहे हैं तो सभी चीज को कवर कीजिए, A to Z पॉइंट, हर एक
पढ़ने का प्रयास कीजिए, यानी हर एक चीज को याद रखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो क्षेत्रीय दलों के विकास का मुख्य कारण क्या है? क्षेत्रीय दल का विकास का जो मुख्य कारण है, मेन पर्पस है, वो है उपयुक्त सभी हो जाएंगे, क्षेत्रीयता की भावना, अपने क्षेत्र के भावना, अपने क्षेत्र के प्रति ज्यादा लगाव होना, अपने क्षेत्र को चाहना। काहे भाई, अमेरिका में हर चीज का ऑफिस काहे होगा, अपने देश में भी होगा, ये क्षेत्रीयता की भावना हो जाएगी। कांग्रेस में नेतृत्व कमी, बिल्कुल, सिंडिकेट एक ऐसा ग्रुप बन चुका था कि मतलब एक तरह से लगता था कि हम लोग पूरा पावरफुल है, ठीक है। तो सिंडिकेट में जो पावरफुल जो लीडर थे वो लोग आपस में ज्यादा मतलब इफेक्टिव नहीं हो पाए, वो लोग आपस में यानी जमीनी स्तर तक नहीं पहुंच पाए लोगों तक, और उनके नेतृत्व में कमी आ गई। तो ये भी एक तरह से क्षेत्रीय दल का विकास का कारण है। राष्ट्रीय पार्टी की कमजोरी, ठीक है, राष्ट्रीय पार्टी की कमजोरी भी है, यानी नेशनल लेवल पर जितने सारे पार्टी है उनका एक तरह से कमजोरी को भी दर्शाता है कि क्षेत्रीय दलों का विकास हो गया। बिहार में क्षेत्रीय दल का विकास हो गया, सपा का मतलब यूपी में विकास हो गया, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, उसके बाद जेडीयू, ठीक है, सब क्या है मतलब क्षेत्रीय पार्टी है। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे, ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन समझे जाते हैं? तो भारत में जो हरित क्रांति के जनक समझे जाते हैं, एम एस स्वामीनाथ को, किनको? एम एस स्वामीनाथ को। ऑप्शन आपका यहाँ बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसने कहा भारत विविधता में एकता है? ये बात जो कहते हम लोग तो सुनते हैं कि भारत में जो है इंडियन कंट्री ऑफ यूनिटी इज डाइवर्सिटी, ठीक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी विविधता में एकता। हम लोग इतने अलग अलग जाति से आते हैं, अलग अलग धर्म से आते हैं, अलग भाषा है, अलग संस्कृति है, लेकिन फिर भी हम लोगों में यूनिटी है, ठीक है। अगर बाहरी आक्रमण होती है, चाइना अगर आक्रमण करता है, कोई भी देश आक्रमण करता है, तो हम लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं मिलिट्री फोर्स के साथ। तो ये हमारी यूनिटी है, विविधता यानी एक तरह से डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हमारे में एकता है, यूनिटी है। तो ये बात जो कहे थे, ये बात किसने कहे थे? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहला पीएम, यानी ऑप्शन आपका यहां सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है, सिंपल और आसान क्वेश्चन है कि दलित पैंथर, यानी दलित पैंथर दलित युवाओं का एक लड़ाकू संगठन था जो स्थापित हुआ था, ठीक है। ये पैंथर, दलित पैंथर के बारे में पढ़ाया गया, दलित युवाओं का एक लड़ाकू संगठन, लड़ने वाला संगठन। तो ये जो स्थापित किया गया था, ये स्थापित किया गया था महाराष्ट्र में, कहां? महाराष्ट्र में। अपना आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहां एकनाथ शिंदे अभी क्या है, मुख्यमंत्री है, प्रेजेंट में सीएम है एकनाथ शिंदे, जहां आपकी शिवसेना पार्टी, वहां आपके मतलब उसके जो उनसे पहले कौन थे, शिवसेना पार्टी के मुख्य मतलब उद्धव ठाकरे थे वहां के सीएम, ठीक है। आप देखिए पूछा गया है कि भारत के प्रथम आम चुनाव में किस दल ने दूसरा स्थान प्राप्त किया था? प्रथम स्थान तो भारतीय कांग्रेस ने प्राप्त किया था, ठीक है, प्रथम आम चुनाव में, ठीक है। तो प्रथम आम चुनाव में जो एक दूसरा स्थान जो प्राप्त किया था, भारतीय कम्युनिस्ट, क्या? भारतीय कम्युनिस्ट। तो ऑप्शन आपका यहाँ ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब की गई? अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब की गई? 1956, 1967 या फिर 1952 में, ठीक है। तो ये जो की गई थी, सिंपल है, ये की गई थी 1957 में, कब? 1957 में। ऑप्शन आपका सी यहां करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र कश्मीर राज्य का भाग नहीं है, ठीक है। यहां जो हो जाएगा, कश्मीर राज्य का भाग कौन नहीं होगा? मुजफ्फराबाद है ना, मुजफ्फराबाद ये नहीं होगा, या बाकी लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, ठीक है, जम्मू और कश्मीर, ये तो तीनों भाग हो जाएंगे, मुजफ्फराबाद आपका नहीं होगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए पूछा गया कि 1955 का बांडुंग सम्मेलन कहाँ हुआ था? बांडुंग सम्मेलन जो 1955 में किए गए थे, तो ये किए गए थे इंडोनेशिया में। कहाँ किए गए थे? इंडोनेशिया में इनकी सम्मेलन हुआ था, इंडोनेशिया में ये मीटिंग किया गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सदस्य नहीं है? भारत तो है ही, ठीक है, उसके बाद श्रीलंका है, फिर मिस्र है, फिर ब्रिटेन, ठीक है। ब्रिटेन कैसे होगा? ये तो कमीनों का देश है, यानी अंग्रेजों का देश है, इतना लूटा भारत को कि भारत को मतलब सोने की चिड़िया कहा जाता था, ठीक है, लेकिन फिर भी लूट के लेके गया, कोहिनूर हीरा भी वही है, ठीक है। तो ब्रिटेन जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सदस्य नहीं था, ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनको तो देश पूरा दुनिया लूटने में, इनको तो फिर बिजी थे, पूरा दुनिया को लूटने में अपना व्यस्त थे, पूरा दुनिया को ये लूटना चाहते थे, पूरा दुनिया पर शासन करना चाहते थे, लेकिन समय आने पर सबको इनको भगा दिए और अभी जाकर के सिमट गए। अभी जाकर के मैंने एक तो चीज याद आता हमको कि ब्रिटेन इतना लूटा, इतना सोना लूट के गया भारत से, इतना चीज लूट के गया, लेकिन फिर भी ये पावरफुल नहीं है, शक्तिशाली नहीं है, धन इतना लूट के गया। भाई देश में अगर कोई भी मतलब पूरा दुनिया में जो डाका डाला हो, हम अगर कोई मतलब आदमी होता है, वो अगर एक बस्ती में, एक गांव में, अगर पूरा घर में डाका डाल देता है, तो वो सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति बन जाता है। तो ये ब्रिटेन जो है पूरा दुनिया को लूटा है, तो ये सबसे ज्यादा अमीर होना चाहिए? नहीं है, जानते हैं नहीं है, जो सही रास्ता पे चलेगा वो होगा ना। अभी अमेरिका है, अमेरिका के सारे पर नाचेगा वो, ठीक है, कुछ नहीं है अभी।
ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट है, सिंपल है कि जवाहरलाल नेहरू का देहांत कब हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री पहले जो रहे हैं, तो ये जो देहांत किए गए थे कब किए गए थे, ये देहांत हुए थे 27 मई 1964 को, यानी ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए पूछा गया है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रीय विकास परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री खुद होते हैं, प्राइम मिनिस्टर खुद होते हैं, ठीक है। 1974 की रेल हड़ताल के नेता कौन थे, रेल जो हड़ताल की गई थी तो 1974 में, ठीक है, तो 1974 में रेल हड़ताल के जो नेता थे जॉर्ज फर्नांडिस कौन थे, जॉर्ज फर्नांडिस, यानी ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा गया कि जेडीयू या फिर जनता दल यूनाइटेड किस राज्य की पार्टी है, बिल्कुल बिहार की पार्टी है। जेडीयू नीतीश कुमार, श्री नीतीश कुमार प्रेजेंट सीएम ऑफ बिहार, यानी अभी जो वर्तमान के मुख्यमंत्री बिहार के हैं, जेडीयू के प्रमुख जो है नीतीश कुमार वही है, तो जेडीयू पार्टी के संस्थापक यही है। तो जनता दल यूनाइटेड किस राज्य की पार्टी है, तो बिहार की है, ऑप्शन आपका यहाँ सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज इस क्लास के अंतर्गत जितने सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने कवर किया, सभी क्वेश्चन आपका रिलेटेड है बोर्ड एग्जाम से, आपका सेंटअप एग्जाम होने जा रहा है, अच्छे से एग्जाम देना है आप लोगों को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खास करके गलत नहीं करनी है आपको, कॉन्फिडेंस के साथ सभी क्वेश्चन का आंसर को सही टिक करना है, क्योंकि अगर आप एक नंबर भी मिस करते हैं तो यहाँ आपको नंबर मिलेगा कोई चांस नहीं होता, इसलिए आप लोग समझ करके पूरा तरह से क्वेश्चन को पढ़ के, यानी पूरा तरह से एक एक वर्ड को अंडरलाइन करके तभी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देंगे, नहीं तो आपसे मिस्टेक होने का चांस बहुत ज्यादा है। हर बनाना नहीं है, 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है क्वेश्चन पढ़ने के लिए, ठीक है, सभी टाइम को मैनेज करते हुए क्वेश्चन को मैनेज करना है और एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर लेके आना है, ठीक है। तो जितने सारे क्वेश्चन को कवर किया, उम्मीद करता हूं कि सभी क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है और सभी क्वेश्चन को आपको याद रखने का रखना जरूरी है। तो टोटल 40 क्वेश्चन को हम लोगों ने कवर किया, मोस्ट इंपोर्टेंट है, और अपने दोस्तों में जमकर एक बार शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।